बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बनी इसराइल का एक ऐसा जादूगर कि जिसने बनी इसराइल की पूरी कौम को तबाही और बर्बादी के अंदर मुब्तला कर दिया। और फिरौन की हलाकत के बाद जब बनी इसराइल की पूरी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी, तो उस वक्त इस जादूगर ने पूरी बनी इसराइल की कौम को फिर से कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सामरी जादूगर कौन था, और जब फिरौन मिस्र में बच्चों का कत्ले आम कर रहा था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सामरी जादूगर को उस कत्ले आम से कैसे बचाया, और सामरी जादूगर की पैदाइश कैसे हुई, और फिर अल्लाह तबारक व ताला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर की परवरिश कैसे की, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ ये बच्चा सामरी जादूगर कैसे बना, और जब इसने बनी इसराइल की पूरी कौम को कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने इस सामरी जादूगर को कौन सी मोजी और दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला फरमाया कि जिसकी वजह से ये चीखता चिल्लाता मर गया। यार दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक्य को जानने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने खुदाई का दावा कर दिया और ये मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगा। जब इसका जुल्म सितम मुसलमानों पर हद से ज्यादा बढ़ गया तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने का इरादा फरमाया। चुनाचे एक दिन फिरौन अपने महल के अंदर चैन की नींद सो रहा था कि एकदम घबरा कर उठ गया। फिरौन ने एक दर्दनाक ख्वाब देखा, जिस ख्वाब ने फिरौन के होश उड़ा कर रख दिए। इस दर्दनाक ख्वाब को देखने के बाद फिरौन ने कल अपने दरबार के अंदर मिस्र के तमाम बड़े बड़े नजूमियों को इकट्ठा किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने का कहा। फिरौन ने उन तमाम बड़े बड़े नजूमियों को बताया कि उसने ये ख्वाब देखा है कि बैतुल मुकद्दस से एक दर्दनाक आग जाहिर हुई है जिसने तमाम किब्तियों को जलाकर राख कर दिया है, और बनी इसराइल के मुसलमानों को कुछ भी न कहा। चुनाचे उस वक्त तमाम नजूमियों ने अपने इलम का इस्तेमाल करते हुए इस ख्वाब की ये ताबीर निकाली कि बनी इसराइल के मुसलमानों में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा और तुम्हारी सल्तनत को तुमसे छीन लेगा। चुनाचे फिरौन को जब अपने ख्वाब की ये ताबीर मालूम हुई तो फिरौन डर गया, और अपनी सल्तनत के छीन जाने के खौफ से फिरौन ने पूरे मिस्र के अंदर ये ऐलान कर दिया कि बनी इसराइल के मुसलमानों की हर हर घर की निगरानी की जाए, और बनी इसराइल के मुसलमानों के घर में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। और फिरौन ने ये भी हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के मर्दों को रोक दिया जाए कि वो अपनी औरतों के बिल्कुल भी करीब न जाएं। चुनाचे इस तरह फिरौन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के हर हर घर की निगरानी होने लगी, और बनी इसराइल के घर में जो भी लड़का पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। इस तरह फिरौन ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए बनी इसराइल के मुसलमानों के तकरीबन 90,000 बच्चों का कत्ले आम किया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तकदीर में जो लिखा था वो होकर ही रहना था। इसी कत्लो गारत के दौरान अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दो बच्चे ऐसे पैदा हुए जो इस कत्लो गारत से बच गए, और जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी हिकमत अमली से फिरौन की कत्लो गारत से बचा लिया। और अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी शान की जलवागरी ये दिखाई कि उनमें से एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा, और उनमें से दूसरा बच्चा कि जिसको उसकी माँ ने कत्ल के डर से एक दूर पहाड़ के गार में छोड़ दिया था, उसकी परवरिश पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने सबसे मुकर्रर फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उधर एक बच्चा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगा, और इधर दूसरा बच्चा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास परवरिश पाने लगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से रोज उस गार में आते और अपनी उंगली को उस बच्चे के मुंह में दाखिल करते जिससे उस बच्चे को खुराक और दूध मिलता, और इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इस बच्चे की नशोनुमा होने लगी। चुनाचे वक्त यूं ही गुजरता रहा, और वक्त के साथ साथ ये दोनों बच्चे बड़े होकर जवान हो गए। कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि इत्तफाकन दोनों बच्चों का नाम मूसा था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की शान की जलवागरी देखिए कि जो बच्चा एक काफर और खुदाई के दावेदार फिरौन के घर में परवरिश पाया वो बड़ा होकर अल्लाह तबारक व ताला का मुकर्रब नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बने, और जिसकी परवरिश अल्लाह तबारक व ताला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की, वो बड़ा होकर एक बदबख्त काफर मूसा सामरी जादूगर बना। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज फरमाया, और जब फिरौन का जुल्म सितम हद से ज्यादा बढ़ने लगा
और फिरौन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया और हद से ज्यादा सरकश हो गया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि वो अपनी कौम को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला फिरौन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। इधर फिरौन को यह खबर मिली कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम मिस्र को छोड़कर जा रहे हैं। फिरौन को जब यह खबर मिली तो फिरौन गजबनाक हो गया और उसने अपना एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उस लश्कर को लेकर फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताकुब करने लगा। इस तरह फिरौन अपने लश्कर को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल पड़ा और फिरौन ने अपने लश्कर को यह हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम मुसलमानों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के तमाम मुसलमान दरियाए नील के किनारे पहुंच गए और उधर फिरौन का लश्कर भी दरियाए नील के किनारे के बहुत करीब आ चुका था। इस तरह बनी इसराइल के मुसलमानों ने जब फिरौन के लश्कर को देखा तो वो घबरा कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज हमें फिरौन से कोई नहीं बचा सकता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी और आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है और वो हमारे साथ है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और दरियाए नील से रास्ता तलब किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि अपने असा को दरियाए नील के किनारे पर मारो तो दरियाए नील आपको रास्ता दे देगा। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने असा को दरियाए नील के किनारे पर मारा तो दरियाए नील में से 12 रास्ते निकल पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजजा देखकर बनी इसराइल की कौम बहुत खुश हुई और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम इन रस्तों के जरिए बड़ी आसानी के साथ दरियाए नील को अबूर करते हुए दूसरी तरफ चले गए। और इधर फिरौन का लश्कर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताकुब कर रहा था वो भी इन्हीं रस्तों के जरिए दरियाए नील के अंदर दाखिल हो गया। इस तरह जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के बिल्कुल दरमियान में पहुँच गया तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाए नील को मिल जाने का हुक्म दिया तो दरियाए नील अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपस में मिल गया और इस तरह फिरौन और उसका तमाम लश्कर और उसको पूजने वाले तमाम किबती दरियाए नील के अंदर गर्क होकर हलाक हो गए। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क करके पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इस तरह फिरौन की हलाकत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम एक दूसरे मकाम पर ठहर गए। कुछ अरसे बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र में चले जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाते ही अपनी कौम को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के मुसलमानों पर यह खास करम किया कि मिस्र के तमाम तर महल्लात और खजाने बनी इसराइल के मुसलमानों के सपुर्द कर दिए। और इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ देने का भी वादा किया था। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि वो 30 दिन और 10 दिन मजीद रोजे रखें। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसी किताब अता फरमाएगा कि जिस किताब के अंदर इस कौम के तमाम तरह अहकामात होंगे कि जिन अहकामात पर अमल करते हुए ये कौम अपनी जिंदगी गुजारेगी। चुनाचे उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल पर अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा मुकर्रर किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करने के लिए कोहे तूर पहाड़ पर चले गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और रोजे रखने लगे। इस तरह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो इधर सामरी जादूगर को कौम बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया और सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के मुसलमानों को बहकाना शुरू कर दिया। चुनाचे बनी इसराइल के मुसलमानों के पास जितना भी सोना था सामरी जादूगर ने उस तमाम सोने को एक जगह इकट्ठा किया और एक मकाम पर आग जलाई गई और उस तमाम सोने को उस आग के अंदर डाल दिया गया। इस तरह देखते ही देखते वो तमाम सोना एक बछड़े की सूरत इख्तियार कर गया। चुनाचे सामरी जादूगर ये मंजर देख कर बहुत खुश हुआ। सामरी जादूगर ने उस बछड़े को उठाया और एक महफूज मकाम पर रख दिया और सामरी जादूगर ने उस बछड़े के मुंह में उस मिट्टी को फूंका जो उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव के नीचे से उठाई थी। इस तरह जैसे ही सामरी जादूगर ने उस बछड़े के मुंह पर उस मिट्टी को फूंका तो उस बछड़े के अंदर जान दाखिल हो गई और वो बछड़ा बोलने लगा। चुनाचे बनी इसराइल के तमाम मुसलमान ये मंजर देख कर हैरान हो गए और उस बछड़े को अपना खुदा मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। सामरी जादूगर बनी इसराइल के मुसलमानों से कहने लगा कि जिस खुदा की तलाश में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर गए हैं वो खुदा तो हमारे पास है। चुनाचे सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा किया
और तमाम मुसलमानों के सामने उस बछड़े से पूछने लगा कि बता तू कौन है। तो उस बछड़े के अंदर से आवाज आई कि मैं तमाम बनी इसराइल के मुसलमानों और मूसा का खुदा हूँ। चुनाचे ये मंजर देखकर 12,000 बनी इसराइल के मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम कौम उस बछड़े को अपना खुदा मानने लगी और बुत परस्ती और कुफ्र शिरक के अंदर मुब्तला हो गई। चुनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को इस शिरक के अंदर मुब्तला देखा तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और इस शिरक से मना किया। लेकिन हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी एक ना मानी और उनको कत्ल की धमकियां देने लगे और इस तरह ये बदबख्त कौम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां देने लगी। चुनाचे हजरत हारून अलैहिस्सलाम कत्ल की इस धमकी की वजह से खामोश हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करने लगे। चुनाचे उधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होकर और तौरात शरीफ लेकर वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को इस शिरक के अंदर मुब्तला देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी कौम अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बछड़े की पूजा कर रही है। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गजबनाक हो गए और आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बालों और दाढ़ी से पकड़ा और झंझोड़ने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से पूछने लगे कि आपने मेरी कौम को बुत परस्ती से क्यों न रोका और मेरी कौम इस बुत परस्ती के अंदर कैसे मुब्तला हुई जबकि मैं आपको इस कौम पर खलीफा मुकर्रर करके गया था। तो उस वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐ मेरे भाई, मैंने इस कौम को कुफ्र और शिरक से बहुत रोका, करीब था कि ये कौम मुझे कत्ल कर देती। चुनाचे उस वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारा माजरा सुनाया और इस तमाम वाक़े का कसूरवार मूसा सामरी को ठहराया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि मूसा सामरी की वजह से ये कौम कुफ्र और शिरक और इस बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हुई है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुमने ये शिरक क्यों किया। तो सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैंने ये शिरक अपने नफ्स के उबारने की वजह से किया है। इस तरह सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये बछड़ा ही हमारा खुदा है और हम इसी की पूजा करेंगे। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर मूसा सामरी के लिए दर्दनाक बददुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने सामरी जादूगर को एक ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिया कि जिस बीमारी के अंदर मुब्तला होने के बाद सामरी जादूगर तमाम लोगों से यही कहता फिरता कि मेरे करीब मत आना और मुझे हाथ मत लगाना। अल्लाह तबारक व तआला ने सामरी जादूगर को एक ऐसी दर्दनाक बीमारी के अंदर मुब्तला किया था कि अगर कोई भी शख्स उसको हाथ लगा लेता तो वो सख्त बुखार के अंदर मुब्तला हो जाता। इस तरह सामरी जादूगर अपनी तमाम जिंदगी जंगलात के अंदर भटकता रहा और इसी बीमारी के अंदर तड़प तड़प कर हलाक हो गया। और इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और अपनी उम्मत के गुनाहों की माफी तलब की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि इस गुनाह की माफी सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है और वो इस तरह कि जो लोग इस शिरक के अंदर मुब्तला हुए थे वो अपने अजीजों अकारब को अपने ही हाथों से कत्ल करें। चुनाचे इस तरह बनी इसराइल के वो तमाम मुसलमान जो इस शिरक के अंदर मुब्तला हुए थे उन्होंने अपने हाथों से एक दूसरे को कत्ल कर दिया और अपने ही हाथों से अपने अजीजों अकारब को मार डाला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।